हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैंने अपने ब्लॉग की जो शुरुआत करी है वो शाम से करी है। आज शाम से मैंने अपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मन नहीं करता बनाने का बिल्कुल भी, तो शाम को स्टार्ट किया। तो यहाँ शाम की मैं बनाती चाय, तो यहाँ बन रही है चाय। देखिए, चाय काफ़ी खौल गई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी बढ़िया बनी थी। तो यहाँ पर आ जाइए, पी लीजिए चाय। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी थी। तो फिर मैं कर लेती हूँ कटोरियों में। कटोरी में ऐसा होता है ना कि जल्दी ठंडी भी हो जाती है और मुंह भी नहीं जलता गरम गरम चाय से, तो इसलिए मैंने कटोरियों में कर ली और एक गिलास में कर दिया थोड़ी सी चाय, क्योंकि हम तीनों को ही चाय पीनी थी। चाय नहीं पीनी थी, मतलब रस बिस्कुट वगैरह खाने थे, तो शाम का टाइम हो रहा था इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा चल जाता है कि हाँ शाम को भूख लगती है तो चाय वगैरह होनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी सी चाय बनाते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं बनाते, भर भर के नहीं बनाते, थोड़ी थोड़ी बनाते हैं टेस्ट के लिए। तो यहाँ वही बन चुकी थी और मैं लेके चलती हूँ अब अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम सब पी रहे थे चाय बैठकर गर्मा गर्म, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सब चाय के लिए। और चाय पीने के बाद मुझे करना था यहाँ पे थोड़ा सा काम, थोड़ा सा शाम का वक्त था तो फिर थोड़ा बच्चे सुबह से लेकर शाम तक सामान भी फैला देते हैं, कपड़े लत्ते फैला देते हैं, इधर उधर बैग वैग डाल देते हैं। ये देखिए मेरे पीछे अभी बैग रखा हुआ है, पढ़ाई करके बैग वहीं के वहीं डाल दिया इन लोगों ने। और यहाँ पे मैं कर रही थी थोड़े सोफ़ा वगैरह पे कपड़े रखे हुए थे और कल के कपड़े सूखे पड़े हुए थे वो भी रखे थे मैंने उठा के, तो मैं उनको सबको तह लगा के रख दी। और जो बड़े बड़े कपड़े थे जो टांगने वाले वो टांग दिए, और जो सारे कपड़े फैले हुए सब इकट्ठे करके रख देती हूँ सोफ़े के अंदर। और सोफ़ा वगैरह भी झाड़ देती हूँ क्योंकि सुबह काम करो लेकिन फिर भी शाम तक फैल ही जाता है दोबारा से काम, तो जब शाम को अच्छी तरह साफ़ सफ़ाई करते हैं फिर क्लीनिंग क्लीनिंग सही सही लगता है एकदम से। तो यहाँ सोफ़ा कवर झाड़ देती हूँ जल्दी से। और आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में ऐसी क्या कमी रह जाती है जिससे व्यूज़ इतने कम आते हैं समझ नहीं आता, प्लीज़ आप एक बार चेक करके बताएं कि मेरे ब्लॉग में क्या कमी है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाली कमी है। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर मार रही थी झाड़ू, शाम का वक्त था तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी झाड़ू मार देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगाती शाम की झाड़ू। तो ये झाड़ू लगने के बाद मुझे बनाने थे थोड़े से चावल जाके रसोई में। आज मैं शाम के समय कुछ रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी, हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, तो हम सब चावल ही खा लेंगे और वो शादी अटेंड करने गांव में गए हुए हैं तो इसलिए हम लोग सिर्फ चावल ही बनाएंगे, शाम के टाइम रोटी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ चावल को जल्दी जल्दी प्लेट में कर लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद इनको मैं बनाऊँगी, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और जो आज रेसिपी शेयर करूँगी मैं चावल की, वो काफ़ी अच्छी है और सिंपल है काफ़ी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे चावल वगैरह बिन चुके थे, चावल वगैरह मैंने देख लिए थे वो साफ़ थे, कुछ भी नहीं था उन चावलों में। तो मतलब यहाँ पे मैं कुकर वगैरह धो रही थी, एक तो मैं पुराना कुकर यूज़ करती रहती हूँ कभी कभी, तो आज दूसरे वाला कुकर यूज़ किया था तो काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था कुकर, तो इसको साफ़ करके तब मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ाया है चावल बनाने के लिए। तो चावल वगैरह तो साफ़ कर लिए थे और इन्हें वॉश कर लूँगी, आलू वगैरह छील लेती हूँ और सब चीज़ तैयार कर ली थी यहाँ मैंने। तो यहाँ पे कुकर में ऑयल भी दे दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो फिर मैंने जीरा डाल दिया। और जीरा डालने के बाद डाल दूँगी मैं इसमें प्याज, और प्याज को 2 मिनट के लिए चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। और उसके बाद इसमें डाल देने चावल, और यहाँ पे प्याज डालने के बाद मैंने डाल दी ग्रीन चिली, और इनको 2 मिनट हिलाएंगे हम और ज़्यादा नहीं पकाना है। और पकाने के बाद आप डाल देंगे इसमें चावल, और चावल डालने के बाद इसमें जाएंगे थोड़े से ड्राई मसाले जैसे गरम मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट चलाने के बाद मैंने आलू और चावल इसमें डाल दिए हैं, और इसमें डालेंगे ऊपर से टमाटर, और इसको पहले थोड़ा सा चला देते हैं। चलाने के बाद ये अच्छी तरह से ऑयल में जब फ्राई हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, तो तब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, टेस्ट अनुसार नमक, और नमक के बाद इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटर के बाद ड्राई मसाले जैसे हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, मिर्ची पाउडर, यही सब डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से चला देंगे इसको। Thank you.
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सारी चीज़ मैंने मिक्स कर दी, डाल दी और मिला दिए ये अच्छी तरह से। तो इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर तक, जितने चावल हमारे पक जाएं उतना पानी डाल देंगे। और इसमें लगाएंगे हम 2 सीटी, और 2 सीटी लगाने के बाद इसको कुकर को बंद कर देंगे जब तक इसकी भाप ना निकल जाए। तो चावल अच्छी तरह से पक जाते हैं अंदर से। तो यहाँ मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और 2 सीटी लगने का वेट करती हूँ। आप बने रहिए, काफ़ी टेस्टी चावल बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने चावल बनने रख दिए हैं और 2 सीटी आएंगी तो चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो शाम का टाइम है तो मैंने हल्का ही खाना बनाया है शाम को, चावल की खिचड़ी मतलब, वो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में। तो यहाँ थे थोड़े से बर्तन, वो जल्दी जल्दी धो देती हूँ। जो आज खिचड़ी बनाई मतलब चावल बनाए वो कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।